नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दी नगरी न्यूज और मैं हूँ आप सभी के साथ मनोज। क्या विनेश फोगाट की हार पर हो रही है राजनीति? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, दुर्भाग्य की बात है कि इससे भी पक्ष और विपक्ष में बांटा जा रहा है। जहां पूरा देश विनेश के साथ है, वह विपक्ष ने विनेश फोगाट के ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया है। ओलंपिक से बाहर होने पर जेपी नड्डा ने की फोगाट की तारीफ, कहा, विनेश फोगाट आपकी पूरी ओलंपिक यात्रा अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक थी और विश्व चैंपियन पर आपकी जीत आपके कौशल का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनेश फोगाट की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा चैंपियन बताया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, फोगाट ने मंगलवार को अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया है। हालांकि महिलाओं की 50 क्रीड़ा फाइनल से पहले अधिक वजन पाए जाने के बाद उन्हें पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसे वह बेजोड़ स्वर्ण के करीब पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद पदक से वंचित रह गए। हालांकि इसी अयोग्यता ने लाखों भारतीयों की उम्मीद तोड़ी है, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। हर चैंपियन को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है, इसे भी पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम ने कल उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहा और पीएम की आवाज 140 करोड़ लोगों की आवाज है, लेकिन अभी तक विपक्ष ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही दुर्भाग्य से विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ बने रहिए दी नगरी न्यूज के साथ। नमस्कार।